Thank you. Thank you, Deputy Speaker Saab. Namadhu Nasali Allah Rasulil Kareem Ammabad Fawzu Billahi Minash Shaitwan Rajim Bismillahir Rahman Rahim Rabbi Shahli Sadri Vaisili Amri Walug Dittamil Lisani of Kaukali Sadakallah Al Malan Al Azweem. Interior Isko Home Department Bhi Kehte Hain. Ye Wo Ministry Hai Jo Kisi Riyasat Ki Baseline Hoti Hai. 9/11 Ke Baad अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस. पाकिस्तान में माजी में मैं नहीं जाना चाहता, 9/11 के बाद पाकिस्तान में 2016 में 14 में एपीएस फियास्को हुआ, पाकिस्तान के बच्चों के गले कटे. अक्रॉस पाकिस्तान एक कमिटमेंट हुई कि नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकाती एजेंडा बनाया गया और उसमें क्या प्लान था कि पाकिस्तान की सरहदों को, पाकिस्तान के मदरसों, मसाजिद, गिरजाघर, मंदिर, तमाम अकलियती के मजहबी मकामात को, पाकिस्तान के हर घर को महफूज बनाया जाएगा. डिप्टी स्पीकर साहब, वो नेशनल एक्शन प्लान जिसके 20 नुकात थे, हमने एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए, आज वो कहां पे है? नेक्टा, नेक्टा का रोल स्टिल मीनिंगलेस है. नेक्टा को ड्राइविंग फोर्स में होना चाहिए था, दे वर सपोज टू लीड एंड मेक एन एग्जांपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्टा को एक्टिवेट ही नहीं किया गया. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन एट द रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन. आपके मुल्क के अंदर कोई इनिशिएटिव अभी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से जो कि डायरेक्ट इस्लामाबाद टेरिटरी इंटीरियर मिनिस्टर के डोमेन में जो आता है, उसमें ये अभी पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है बिजनेस रिकॉर्डर, अप्रैल 2024, रिपोर्टेड दैट 76 मोबाइल फोन्स, 105 व्हीकल्स, 91 मोटरबाइक्स और इवन किडनैपिंग हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे इन इस्लामाबाद. अब यहां पे बात नहीं रुकती, एक स्टेप और आगे जाते हैं. पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर जब किसी भी इकाई के लोगों को शनाख्ती कार्ड उनके बैन लगा दे, पासपोर्ट पे बैन लगा दे और साथ ही साथ ये कहना शुरू कर दे कि इनको आप ये, क्योंकि मैं एक आई विल टेक एक्स्ट्रा मिनट और टू फॉर अ रीजन दैट आई रिमेंड एज एन इंटीरियर मिनिस्टर एंड प्लीज देयर समथिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू, हार्ट टू हार्ट इंटरेक्शन. पाकिस्तान के इमिग्रेशन प्रोसेस में, पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिमिनल में, आज भी पश्तून के ड्रेस को बाकायदा पोर्ट्रे करके उसके मुताबिक उसको अरेस्ट किया जाता है. इवन मॉक एक्सरसाइजेस इसके बेस पे होती है. एक स्टेप और जाता हूं, ये है इंडियन, ये गार्डियन रिपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम्स 20 बंदों को पाकिस्तान में मारा गया. क्या कोई टस से मस हुआ? हां, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के एक बड़े सूबे पंजाब और अब वफाक पे जो उनका रोल है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूं, ये पार्लियामान सुप्रीम है और इस पार्लियामान को ये हक हासिल है. ये बेचारे डरे सहमे हुए हैं, हमने डर और खौफ रब का रखना है. लेकिन मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री अपने जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को इक्विप ना करे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ना हो, फेडरेटिंग यूनिट्स को ऑन बोर्ड ना ले, पाकिस्तान के तमाम सोच के इश्यूज को एड्रेस ना करे, हर कल्चर और नॉर्म्स और वैल्यूज को सामने रख के उनको एंगेज ना करे, तो फिर क्या होगा डिप्टी स्पीकर साहब? पाकिस्तान के अंदर बदेतबादी पैदा होगी. मैं सिर्फ आपको एक और चीज जल्दी जल्दी, फेटर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड 23% पाकिस्तानी वो लोग थे जिनके अकाउंट्स का डेटा था, 77% का डेटा ही नहीं था. ये वो तमाम सवालात जो नेक्टा के हवाले से है,
जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से है, जो पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से है, एंड अबव ऑल कोऑर्डिनेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। आखिर में प्लीज डिप्टी स्पीकर साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री का प्ले रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त उनका रोल नजर नहीं आ रहा। इस्लामाबाद टेरिटरी से निकले, पूरे पाकिस्तान का सोचें, और ये जो पासपोर्ट और सीएनआईसी की जो ठेकेदारी, हमने 1,80,000 पाकिस्तानियों के सीएनआईसी खोले थे, माइक खोलें, माइक कर रहे हैं, पासपोर्ट ब्लॉक कर रहे हैं, प्लीज, दिस इज हाईली अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, एंड अबव ऑल दे आर बिकमिंग अ स्कार ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तान। इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। थैंक यू सो मच जी।